आज बहुत अच्छा काम यहाँ पर अलिफ फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है। लोगों में राशन तकसीम किया जा रहा है। तकरीबन 150 लोगों को यहाँ पर राशन के लिए बुलाया गया है तकसीम करने के लिए, और इनके घरों को आइडेंटिफाई करते हुए इनको फॉर्म देते हुए इन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। बहुत अच्छी बात है कि जिसको खाने को खाना नहीं है, जो लोग मदद के हकदार है उनको राशन दिया जा रहा है। ऐसे कामों में दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मुझे अलिफ फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर मदद किया गया है। कुछ राशन के पैक्स मैं भी दूंगा और हमारे डॉक्टर हारून साहब भी देंगे। ये बहुत खुशी की बात है। आज अलिफ फाउंडेशन ने आज बड़ा एक पहल काम किया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड पैक्स और चिल्ड्रंस के लिए किट्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स और मिल्क, ये बहुत ज़रूरी था। एक रहबरी करना, एक भूखे को खाना खिलाना, एक अल्लाह ताला की तरफ से एक हिदायत होना, हर एक को नहीं आती हिदायत। ये अल्लाह ताला कुछ लोगों को चुन लेता है, तो उनमें से एक अलिफ फाउंडेशन के जो निज़ाम है उनको अल्लाह ताला ने चुन लिया है और उनको ये काम करने के लिए उनका एक फ़र्ज बनाया। ये हर एक की एक ड्यूटी है, हर एक के लिए फ़र्ज बनता है कि जो एक मेहमान है, आप एक जो रेफ्यूजी है, कौन से ही मुल्क में जाता है, तो उसके लिए हर एक का एक फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए आगे बढ़ चढ़ के पहले उनको एक भूखे को खाना खिलाए। गुजारिश करूंगा कि जो आज मिस्कीन है, जो बर्मा के और रोहिंग्या के जो मुसीबत में यहाँ लोग आए हुए हैं, हर एक का फ़र्ज़ बनता है कि आगे बढ़ चढ़ के हकदार, जो एक नोबल ग्राउंड वर्क पर जो काम हुआ है, 150 लोगों को जो कलेक्ट किया है उनके नाम के साथ, उनकी रहनुमाई करके, उनके जाके प्रैक्टिकली ग्राउंड वर्क देख के जो हकदार है, मुस्तहक है, उनके लिए किया गया है। ये बहुत खुशी की बात है। ऐसे ही काम होना चाहिए जो नोबल, जिसके जिस जिस मुस्तहक है उनको तक पहुंचना चाहिए। तो इंशाल्लाह मेरी अदबन गुजारिश है कि यहाँ के लोगों से कि एक मेडिकल कैंप हम ज़रूर इनखाद करेंगे अनकरीब। केयर की तरफ से हम इंशाल्लाह एक मेडिकल कैंप मोतेशाम में भी रहेंगे, उसमें तो पूरों को फ़ायदा होगा, इससे फ्री मेडिकेशन रहेगा और पूरे स्पेशलिटी को भी बुलाएंगे।